मुगैम्बो फ्रॉम मिस्टर इंडिया। विलन कैरेक्टर ही ज्यादा उन पे शूट करता है वैसे तो। या माय फेवरेट कैरेक्टर इज कोयला 1996। जैसे आज के टाइम पे शाहरुख खान है, वो अपने टाइम के शाहरुख खान थे। कौन बोल रहा है? तेरी अम्मा ने जो भूत की मेहंदी लगाई थी ना, वही मैं भूत बोल रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा यार हूँ। मुगैम्बो खुश हुआ, मुगैम्बो खुश हुआ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो बॉलीवुड को कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स दिए हैं अमरीश सर ने, और आज अमरीश सर के बर्थडे के दिन हमने सोचा क्यों ना हमने ऑडियंस से पूछे कि उनका अमरीश पुरी फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। चलिए तो सर, विच अमरीश पुरी कैरेक्टर इज योर फेवरेट कैरेक्टर? मुझे उनके तो बहुत सारे कैरेक्टर अच्छे लगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाए हैं। और जैसे कि मुगैम्बो ले लो, मुगैम्बो में उन्होंने जो कैरेक्टर किया है, घातक में उन्होंने इतना बाप का अच्छा कैरेक्टर किया, जबकि उनको तो वहाँ पर वो अवार्ड भी मिला था उस एक्टिंग का। तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो उनका एकदम से मतलब भुलाया जा सके। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बेहतरीन है। एक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जो मुगैम्बो खुश हुआ। मुगैम्बो फ्रॉम मिस्टर इंडिया। विलन कैरेक्टर ही ज़्यादा उन पर शूट करता है वैसे तो। कौन सा कैरेक्टर? मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया मुगैम्बो। मुगैम्बो खुश हुआ। या माय फेवरेट कैरेक्टर इज कोयला 1996, राजा साहब। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मैंने देखा था DDLJ में, भाऊजी। भाऊजी तो सर, ये सब कैरेक्टर आपको क्यों पसंद है? क्योंकि अगर मैं खुद एक एक्टर हूँ, तो मुझे उस तरीके से मैं देखता हूँ कि एक आदमी जो रियल लाइफ में इतना मतलब शांत स्वभाव का और इतने अच्छे तरीके से उनका जीवन जिया, और मगर फिल्मी पर्दे पे जो उन्होंने अपना रुद्र रूप दिखाया है, तो लोग उनसे कैरेक्टर से नफरत कर रहे हैं, ना कि उनसे। ऐसी एक्टिंग उन्होंने की है, तो कैरेक्टर मैं एक एज ए एक्टर के तरीके से उन्हें देखता हूँ, तो इसलिए उनके वो कैरेक्टर पसंद है। क्योंकि वो उसी रोल पे शूट करता है, और एक तो उनकी जो एक्टिंग है वो तो क्या ही बात करें, अपने टाइम के लेजेंड है वो। और जैसे आज के टाइम पे शाहरुख खान है, वो अपने टाइम के शाहरुख खान थे, और उन्होंने इतनी सारी फिल्म्स की है, और हर टाइम उनका अलग कैरेक्टर दिखा है, भले वो विलन हो, हीरो हो, कुछ भी हो, लेकिन सर है। क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत ही मतलब एक अलग तरीके का रोल प्ले किया है। हाँ, इतना ख़तरनाक विलेन, और ऊपर से मतलब इतना मतलब खूंखार, इसलिए मुझे पसंद है ये कैरेक्टर। वो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो पहले जो गुस्सा था, और उसके बाद बेटी को समझा, उसका प्यार देखा, फिर उसको मौका दिया है कि जा अपनी ज़िंदगी जी ले अपने ज़िंदगी के साथ। तो सर, अमरीश पुरी की कौन सी मूवी थी जिस जो आपने विच वॉज द फर्स्ट मूवी यू वॉच्ड ऑफ अमरीश पुरी? मैंने तो उनकी फर्स्ट मूवी घातक ही देखी थी, उसके अलावा बहुत सारी हैं। जैसे कि एक मूवी देखी थी मैंने उनकी, लोहा, जिसमें आज के टाइम पे अगर जो यूथ होता है, जैसे आज बाल बना लेते ड्रैगन टाइप, उनको उनमें एक हेयर स्टाइल होता है ड्रैगन टाइप वाला, तो बड़ा ही डरावना होता है वो। उनकी मैंने वो देखी थी मूवी, बड़ा ही खतरनाक डायलॉग होता है। डायलॉग तो अलग ही अलग है, चाहे उनके गंगा जमुना सरस्वती में ले लो, चाहे उनका शहनशाह में डायलॉग ले लो, उनके अलग अलग डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, यस। एंड मूवीज देखा नहीं, क्योंकि मतलब वो बहुत पुराने एक्टर है, लेजेंड एक्टर्स हैं, तो यस, मैंने मिस्टर इंडिया ही देखी है उनकी। शायद मैंने देखा हो मिस्टर इंडिया। हाँ, मिस्टर इंडिया वो खुश हुआ, वो मेरे लिए तो DDLJ था। अमरीश पुरी की लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? मैंने अभी हाल फिलहाल में तो बहुत मतलब मैंने मोबाइल में ही देखी, तो उनकी भी हाल फिलहाल में देख रहा था मैं, हलचल देख रहा था। हाँ, आई थिंक मिस्टर इंडिया ओनली, मिस्टर इंडिया एंड यस एंड लिटिल बिट DDLJ। ऐसे मुझे याद नहीं है, लेकिन जो रिसेंट मूवी है वो गद्दर है। शायद मैंने ये देखा, एक कैरेक्टर थी सलमान खान के साथ आया था, मतलब 2000 के दशक में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो शायद आखिरी पिक्चर मैंने देखा था। तो अमरीश पुरी की आखिरी मूवी कौन सी आपने देखी थी? आखिरी मूवी तो याद नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं जो मैंने देखी है, और मुझे अच्छा लगा उनका कैरेक्टर जो विलन का था वो। अच्छा, तो अमरीश पुरी का एक फेवरेट डायलॉग, फेमस डायलॉग। उनका एक डायलॉग था उस मूवी में, जब उनके बेटे ने कॉल किया होता है, बेटे को कॉल किया होता है अरबाज खान को, तो कहते हैं कि कौन बोल रहा है? तेरी अम्मा ने जो भूत की मेहंदी लगाई थी ना, वही मैं भूत बोल रहा हूँ। तो वो मुझे डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था। वही मिस्टर इंडिया का ही है, खुश हुआ। यस, अमरीश पुरी का एक और है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। यस, फ्रॉम DDLJ, बाबूजी। मुगैम्बो खुश हुआ, जा सिमरन जा। नहीं, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा यार हूँ, फ्रॉम कोयला। वही था, देखा था जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जी, फील से बोलो थोड़ा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सो ऐसे तो अमरीश सर ने काफ़ी सारे कैरेक्टर प्ले किए, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है
बाऊजी फ्रॉम DDLJ. सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट अमरीश पुरी कैरेक्टर कौन सा है. सो होप्स यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.